नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सौराष्ट्र पटेल और सेवा समाज द्वारा निर्मित छात्रावास जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत और सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित छात्रावास चरण एक के लिए वीडियो, आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से शिलान्यास किया है उन्होंने। आपको बता दें कि पीएम मोदी छात्रावास भवन में लगभग 1500 छात्रों के लिए आवासीय सुविधा है। इसमें एक सभागार और छात्रों के लिए एक पुस्तकालय भी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा आज विजयदशमी को एक पुण्य कार्य का शुभारंभ हो रहा है। मैं आप सभी को एक और पूरे देश को विजयदशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम के अनुसरण का अर्थ है मानवता और ज्ञान का अनुसरण। इसलिए गुजरात की धरती से बापू ने राम राज्य के आदर्शों पर चलने वाले समाज की कल्पना की है। मुझे खुशी है कि गुजरात के लोग उन मूल्यों को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आज की गई एक पहल भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सामर्थ्य क्या होता है ये भी मैंने गुजरात से ही सीखा है। एक समय गुजरात में अच्छे स्कूलों की कमी थी, अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों की कमी थी। उमिया माता का आशीर्वाद लेकर खोडल धाम के दर्शन करने मैंने इस समस्या के लिए, समाधान के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ा और आपके आशीर्वाद की ताकत इतनी बड़ी है कि आज 20 साल से ज्यादा समय हो गया है, फिर भी अखंड रूप से पहले गुजरात की और आज पूरे देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। करीब 500 छात्राओं के लिए दूसरे चरण के छात्रावास का निर्माण अगले साल शुरू होगा। ये 1983 में स्थापित एक पंजीकृत ट्रस्ट है और जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन है। ये छात्रों को कई प्रतियोगी और परीक्षात्राओं को तैयारी में मदद करता है और उन्हें उद्यमिता और कौशल विकास के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे, ऐसा उनका कहना था। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामलों में कल की तुलना में आज गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी जो देश में लगातार बढ़ रही थी उसके बाद से ही अब देश में गिरावट देखने को मिली है और देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,862 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 369 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में कल बात की जाए तो वहां भी कई आंकड़े सामने आए थे और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 19,391 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,03,678 हो गए हैं। देश में अब तक 3,33,82,100 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 4,51,814 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि देश में अब तक कोरोना वायरस वैक्सीन के 97,14,38,563 डोज दी गई है। पिछले 24 घंटे में 3,26,483 कोविड वैक्सीन की डोज दी गई है।